हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू कैरेक्टराइज द एलवीडीटी। एज यू नो, एलवीडीटी इज़ द वेल नोन ट्रांसड्यूसर। इट्स फुल फॉर्म इज लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डूइंग दिस प्रैक्टिकल, बिफोर दैट वी हैव टू गो थ्रू द थ्योरी। सो एलवीडीटी का सर्किट क्या होता है, उसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो एलवीडीटी की हम बात करें, इसके इनर सर्किट की या इनर इसकी कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, सो इट हैज़ वन प्राइमरी वाइंडिंग दैट इज़ एनर्जाइज बाय अवर सोर्स, एंड इट हैज़ टू सेकेंडरी वाइंडिंग। बोथ वाइंडिंग्स आर आइडेंटिकल एंड कनेक्टेड इन दिस मैनर कि आउटपुट जो हमको मिलता है उसका डिफरेंशियल आउटपुट मिलता है। और इसमें एक कोर होती है, वो कोर जब सेंटर में प्लेस्ड होती है तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उनका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होता है, तो हमें आउटपुट जो है वो जीरो मिलता है। ये ट्रांसड्यूसर जो एलवीडीटी है वो इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली इट इज़ यूज फॉर लीनियर मोशन मेजरमेंट। इंडस्ट्रीज़ में जो है इसका उपयोग जो है वाइडली यूज होता है, और इंडस्ट्रीज़ में जो ट्रांसड्यूसर होता है, जो एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर होता है, उससे प्लस माइनस हम 25 जो है प्लस माइनस 12 इंचेस तक के जो लीनियर मोशन है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी लैब में जो एक ट्रांसड्यूसर है एलवीडीटी, उसके द्वारा हम प्लस 10 mm से माइनस 10 mm के बीच का डिस्टेंस जो है वो मेज़र करेंगे। और यहाँ पे हम दो चीज़ जो है वो करना चाहेंगे। एक तो जब कोर जो है सेंटर में प्लेस्ड होती है तो हमें डिफ्लेक्शन जो है वो डिफरेंशियल आउटपुट जीरो मिलता है। कोर को राइट साइड में मूव करते हैं, राइट साइड के बाद में जब लेफ्ट साइड में हम मूव करते हैं तो आउटपुट का जो फेस चेंज होता है, तो वी विल एनालाइज द फेस इन अवर CRO। एंड सेकेंडरी का जो आउटपुट जो हमें मिल रहा है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, लेफ्ट और राइट में जब हम मूवमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज मिलेगा, उस वोल्टेज की हम रीडिंग लेते जाएंगे। और इनपुट में हमारा जो वेरिएबल है वो डिस्टेंस, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं वो हम बताएंगे। और इसके बाद में इस एलवीडीटी के इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन का हम एक कर्व बनाएंगे, तो इनपुट में हमारा डिस्टेंस रहेगा और आउटपुट का जो वेरिएबल है वो हमारा सेकेंडरी के सेकेंडरी पे जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसके बीच में हम कर्व ड्रा करेंगे, जिससे इसके इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशन पता चलेगा। चलिए हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से करेंगे। तो ये हमारे एलवीडीटी की जो मेन किट है, ये हमारा इसमें एलवीडीटी लगा हुआ है। इसी एलवीडीटी के अंदर आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये इसकी कोर है जो इससे अटैच्ड है, और कोर के साथ में यहाँ पे स्क्रू गेज को अटैच किया गया है। ये हम मूवमेंट हम कितना करेंगे उसकी रीडिंग लेने के लिए स्क्रू गेज को अटैच किया गया है। लेफ्ट राइट में कितने mm हम इसको शिफ्ट करेंगे तो वो रीडिंग हम यहाँ से ले सकते हैं। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये सेकेंडरी का आउटपुट डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ये यहाँ पे रेक्टिफाइड डिमोडुलेटेड आउटपुट मिल रहा है, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये प्राइमरी अगर हम इसकी देखना चाहते हैं कि प्राइमरी पे क्या जो हमारी वेव फॉर्म है वो कैसी है, सेकेंडरी की कैसी है। और इसके साथ में हमें सपोर्टिंग में एक CRO चाहिए। CRO अगर है नहीं है तो DSO भी चलेगा, डिजिटल स्टोरेज डिवाइस, उससे हम तो हमें सपोर्ट में CRO की ज़रूरत पड़ेगी, एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम आउटपुट के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज कितना वेरी हो रहा है उस वोल्टेज की रीडिंग हम ले सकें डिस्टेंस मेजरमेंट के साथ में। सबसे पहले मैं शुरुआत से ही आपको बताता हूँ इसको किस तरह से करेंगे। ये हमारा जो LVDT का किट है ये हमने यहाँ से लगा दिया है, ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है। सबसे पहले हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। ऑन ऑफ करने के बाद में ये LVDT की जो कोर है बिल्कुल सेंटर में प्लेस्ड होना चाहिए, यानी कि ये हमारा जो स्क्रू गेज पे इसका प्लस 10 mm से माइनस mm का जो डिफरेंस नज़र वो डिस्टेंस नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको पहले कैलिब्रेट करेंगे, यहाँ पे हम जीरो पे रखेंगे। तो ये देखिए, ये कोर अभी बिल्कुल सेंटर में है, 10 mm इस तरफ है, 10 mm इस तरफ है, और इसको कैलिब्रेट करके हम सबसे पहले इसको जीरो पे सेट करेंगे। ये देखिए, मैं इसको जीरो पे सेट कर रहा हूँ, ये हमने इसको जीरो पे सेट कर दिया है। इसी तरह से इसकी मैक्सिमम एंड जो प्लस की एंड माइनस की जो मैक्सिमम लिमिट है उसको भी हम कैलिब्रेट करके सेट कर देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, हम यहाँ पे जो है प्लस 10 mm से माइनस 10 mm का जो है वो
डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ वोल्टेज। ये हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने प्लस वाली जो है वो कर दी है, तो इसको हमने हम 10 पे सेट कर देंगे। ये देखिए ये डिस्प्ले है जिसमें हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो कितना हो रहा है ये mm में यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो अभी लेफ़्ट साइड का प्लस 10 mm हमने कैलिब्रेट कर लिया है, अब राइट साइड का भी हम इसको कैलिब्रेट कर देंगे। राइट साइड के 10 mm पर हम इसको कैलिब्रेट कर देंगे। ये इसका ज़ीरो स्केल का और इसका ज़ीरो अलाइन होना चाहिए। तो ये देखिए हम इसको ये हमने इसको माइनस 10 mm पे राइट साइड में 10 mm पे और लेफ़्ट साइड में प्लस 10 mm पे हमने इसको और ज़ीरो इसको कैलिब्रेट कर लिया है। अब इसके बाद में हमारा एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं कि जब कोर हमारी सेंटर में प्लेस्ड होगी तो आउटपुट हमें ज़ीरो मिलना चाहिए। अब इसके लिए हमें जो है वो इसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमको अब CRO की ज़रूरत पड़ेगी या DSO की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको देखिए यहाँ पर आउटपुट लेते हैं। अब मैं इसको बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर रहा हूँ, सेंटर में प्लेस करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पे जो CRO का आउटपुट है वो डिफरेंशियल आउटपुट एकदम ज़ीरो हो जाएगा। मैं जैसे जैसे मूव करता जाऊँगा ये ये देखिए अभी जो है ये नल कंडीशन में रखा हुआ है, ना लेफ़्ट साइड मूवमेंट है कोर का ना राइट साइड मूवमेंट है। इस कंडीशन में जो हमको एक सीधी लाइन मिल रही है यानी डिफरेंशियल आउटपुट अभी ज़ीरो है। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अक्रॉस जो इंड्यूस वोल्टेज है उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो V1 माइनस V2 ज़ीरो आ रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब इसकी लेफ़्ट से राइट साइड में हम पोजिशन को चेंज करते हैं तो इसका फेस चेंज होता है, तो हम इसके फेस को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम फेस को करेंगे कि इसके मूवमेंट से फेस कैसे चेंज होता है। देखिए मैं राइट साइड से मूव करा के ला रहा था तो अभी यहाँ आ गया है। अब देखिए ये मैं लेफ्ट साइड की तरफ मूव करा रहा हूँ, इसका जो वेव फॉर्म है ये रेक्टिफाइडेड जो है मॉड्यूलेटेड वोल्टेज है, तो आपको नीचे की तरफ इसकी वेव फॉर्म्स जो है वो दिख रहे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड के मूवमेंट पे वेव फॉर्म आपको नीचे की तरफ दिखती हैं। अब मैं वापस सेंटर से होते हुए राइट की तरफ ले जाता हूँ, राइट की तरफ ये सेंटर पोजीशन आएगी, वहाँ पे फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। ये देखिए अब ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया। अब मैं राइट साइड की तरफ जो है वो उसको मूव करा रहा हूँ, ये राइट साइड की तरफ ये मूव करा रहा हूँ, तो ये देखिए अब ऊपर की तरफ आपको वेवफॉर्म मिल रही है। तो इसमें हम ये चेंज ये देख रहे हैं कि हाउ फेज इज़ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ कोर। जब राइट साइड में जब मैक्सिमम लेफ्ट में है तो आपको ऊपर की तरफ वेव फॉर्म मिल रही है, जीरो पे आ जाते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो लेवल पे मिलने लगता है, राइट साइड में हम जाते हैं तो इसका फेज चेंज होता है। तो फर्स्ट हमारा यही है, हमने ऑब्जर्व किया कि इसका फेज जो है सेकेंडरी के आउटपुट जो हमें वोल्टेज मिल रहा है उसके फेज को हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो ये हमने CRO पे इसकी स्टडी करके देख ली कि इसका फेज चेंज हो रहा है। तो ये हमारा पहला काम फिनिश हो गया, जो पहला जो प्रो था हमारा एम वो फिनिश हो गया है कि अब हमने इसको एनालाइज कर लिया है कि इस तरह से ये इसकी वेवफॉर्म चेंज होती है। ये देखिए आप, मैं एक बार और करके बताता हूँ, ये देखिए ये लेफ़्ट साइड का मैक्सिमम मूवमेंट है और अब धीरे धीरे हम राइट की तरफ इसके मूवमेंट को कोर जो है मूव हो रही है स्क्रू गेज के साथ, तो ये इसका आप देखिए कि अब ये ट्रिगर करेगा फेज़ इसका जो है वो नीचे की तरफ आएगा। ये देखिए अब फेज़ चेंज हो रहा है, ये सेकेंडरी के अक्रॉस जो है आउटपुट वोल्टेज का फेज़ चेंज हो रहा है।
फर्स्ट जो इसका पार्ट था वो हम कर चुके हैं। हम इसकी सेकेंडरी का जो इसका आउटपुट जो मिल रहा था उसकी वेव फॉर्म को हम एनालाइज कर चुके हैं कि कैसे कोर के मूवमेंट के साथ जब राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रही थी, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रही थी, तो किस तरह से फेस चेंज हो रहा था। अब हम इनपुट में इसके डिस्टेंस को वेरी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सेकेंडरी का आउटपुट वोल्टेज हम रीड करेंगे। तो अभी देखिए ये कोर जो है बिल्कुल सेंटर में प्लेस्ड है, सेंटर में प्लेस्ड है, तो इसका जो आउटपुट मिल रहा है सेकेंडरी के अक्रॉस जो आउटपुट मिल रहा है, देखिए आप वोल्ट मीटर की रीडिंग में ये जीरो बता रहा है। अब हम 2 mm के डिस्टेंस पे राइट साइड की रीडिंग लेंगे, 2 mm के डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड की रीडिंग लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो इस तरह से एक टेबल बनाएंगे, तो उस टेबल में पहले राइट साइड के 2 mm के जो वो हैं उस पर हम लेते जाएंगे सेगमेंट पे रीडिंग, और राइट साइड के लेते जाएंगे और लेफ्ट साइड के लेते जाएंगे, जो वोल्टेज की वैल्यू आएंगी बाद में इनपुट एंड आउटपुट जो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन बताएंगे, एक कर्व ड्रा करेंगे, कर्व ड्रा करके हम इस मूवमेंट इनपुट जो डिस्टेंस है वेरिएबल उसके बीच में और आउटपुट जो वोल्टेज हमें मिल रहा है उसके बीच में हम कर्व ड्रॉ करेंगे, तो वो हमें इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताएगा। तो ये हमें करना है, तो जैसे जैसे हम मूवमेंट करते जाएंगे उसके रेस्पेक्ट में हमें जो है आउटपुट वोल्टेज मिलता जाएगा। अभी सेंटर में प्लेस्ड है तो आउटपुट जीरो आ रहा है। अब देखिए मैं राइट साइड में 2 mm जो है अभी मैं इसके राइट साइड में जो है इसको 2 mm शिफ्ट कर रहा हूँ, तो जैसे 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 2 mm नाउ ये 2 mm मैंने राइट साइड में इसको शिफ्ट कर दिया है, तो 2 mm पे हम देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है वोल्टेज की। तो फर्स्ट रीडिंग ये राइट साइड की फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी, तो 2 mm पे हमने इसको राइट साइड में इस तरह से किया। अब ये रीडिंग हो गई। अब सेकंड सेगमेंट जो है राइट साइड पे फिर 2 mm करेंगे, यानी 4 mm पे हम लेंगे, तो 4 mm पे हम देखते हैं अब ये 1, 2, 3 यहाँ से ये स्क्रू गेज में बार दिए हुए हैं, इन बार से हम काउंट कर लेते हैं। अब 4 mm की रीडिंग ले ली, ये अभी हम राइट साइड मूवमेंट की रीडिंग ले रहे हैं और 4 mm के बाद में हम तो 4 mm की 4 mm के रेस्पेक्ट में हम रीडिंग को नोट कर लेंगे। फिर राइट साइड के मूवमेंट की 6 mm की रीडिंग हम लेंगे, तो 6 mm की रीडिंग हम लेंगे, तो ये 6 mm के रेस्पेक्ट में कितना वोल्टेज जो है 6 mm की रीडिंग के रेस्पेक्ट में कितना वोल्टेज जो दिखा रहा है वो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो 2 mm की रीडिंग हो गई, 3 mm राइट साइड के मूवमेंट पे, 2 mm, 4 mm, 6 mm। अब 8 mm की हम ले लेते हैं, ये 8 mm की रीडिंग हो गई। तो 8 mm राइट साइड मूवमेंट है उस वक्त जो है 0.183 जो है वो 183 वोल्टेज जो है वो रीडिंग आ रही है। तो ये हमारी राइट साइड मूवमेंट की 2 mm के सेगमेंट की 4 रीडिंग हो गई और इसका राइट साइड का जो मैक्सिमम मूवमेंट है वो है 10 mm। तो लास्ट रीडिंग हम राइट साइड की 10 mm पे लेंगे, ये हमने राइट साइड के जो है 10 mm की ये हमने रीडिंग ले ली है। तो ये हर एक रीडिंग हमने अभी 4 रीडिंग ली है, राइट साइड के मूवमेंट 2 mm पे जो वोल्टेज मिला, 4 mm पे जो वोल्टेज मिला, 6 mm पे वोल्टेज मिला और 10 mm पे वोल्टेज मिला। तो ये राइट साइड का मैक्सिमम हमने कवर कर, वो इतनी 5 रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम लेफ़्ट साइड में देखते हैं कि 2 mm के जो लेफ़्ट साइड के मूवमेंट होंगे कोर को सेंटर के बाद में, जब कि पहले फिर सेंटर पे ले आते हैं हम कोर को, ये कोर जो है सेंटर में आ गई है, तो ये राइट साइड के मूवमेंट हमने पे रीडिंग ले ली। अगेन हम देखेंगे हमारा जो वोल्टेज होगा वो जब सेंटर में आ जाएगा, तो देखिए सेंटर में कोर आ गई है, यहाँ से ये रीडिंग हम देख सकते हैं और सेंटर में रीडिंग ये जीरो बता रहा है, ये जीरो रीडिंग बता रहा है, ये जीरो रीडिंग बता रहा है। अब हम राइट साइड में कोर को शिफ्ट करेंगे, वही 2 mm के सेगमेंट लेंगे और मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे और हर एक सेगमेंट के रिस्पेक्ट में हम रीडिंग को नोट करते जाएंगे। तो ये देखिए अब मैं 2 mm पे जाता हूँ, ये राइट साइड के 2 mm हुए,
तो राइट साइड के 2 mm पे ये वैल्यू मिल रही है, तो हमें उसमें टेबल में इस तरह से लिखते जाएंगे कि लेफ़्ट साइड के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो हम लिखते जाएं, और लेफ़्ट साइड के मूवमेंट के लिए जो जैसे अभी प्लस 2 mm जो है वो राइट साइड की तरफ लिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज मिल रहा है वो हम यहाँ लिख देंगे 0.030 ऐसे ही। तो ये 2 mm के रिस्पेक्ट में हो गया। अब हम 4 mm के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो 4 mm के रिस्पेक्ट में जैसे हम लेते हैं, तो अब देखिएगा आप, ये मैंने स्क्रू गेज से जो है ये बिल्कुल अलाइन हो जाना चाहिए, इसका 0 स्केल का 0, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये 4 mm हमने इसको शिफ्ट किया है लेफ़्ट साइड। तो 2 mm पे फर्स्ट रीडिंग हो गई राइट साइड लेफ़्ट साइड की, 4 mm पे हो गई। तो अब ये 4 mm पे हम इसकी जो वोल्टेज है वो उसको नोट कर लेंगे, और इसी तरह से हम अब 6 mm पे जाएंगे, ये 6 mm पे चले गए। तो 6 mm के रेस्पेक्ट में ये सेंटर के बाद 6 mm पे जितना मूवमेंट हुआ, लीनियर मोशन हुआ, उसके रेस्पेक्ट में हमारी रीडिंग मिल चुकी है। 6 के बाद में अब मैं 8 mm की लेता हूँ, ये मेरी 8 mm की रीडिंग ये दिखा रहा है, 8 mm पे जो लेफ़्ट साइड का मूवमेंट है उस पर ये। अब इसमें जो मैंने बताया था कि इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम की लिमिट है वो राइट में 10 mm है, लेफ़्ट में 10 mm है, यानी कि टोटल 20 mm का लीनियर मोशन हम इससे इसके रिगार्डिंग में हम आउटपुट वैल्यू ले सकते हैं। तो लास्ट फाइनल वैल्यू लेफ़्ट साइड की हम 10 mm पे ले लेंगे, ये हमको 10 mm लास्ट फाइनल वैल्यू जो है वो मिल चुकी है, जो लेफ़्ट साइड में हमने मूवमेंट किया उसके रिगार्डिंग में हमें ये वैल्यू मिल चुकी है। अब जब ये वैल्यू हमें मिल गई है तो हम टेबल की फॉर्म में इनको इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए पहले बच्चों ने किया हुआ है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट है और ये इसके रिगार्डिंग आउटपुट वोल्टेज मिला हुआ है। ये हमारे ये जो है डिस्प्लेसमेंट हमारा इनपुट वेरिएबल है, देखा आपने हमने किस तरह से चेंज किया, और आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है उसको इस टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। जब ये दोनों टेबल हमें मिल जाएंगी फिर इस तरह से हम देखेंगे कि ये देखिए बच्चों ने कर्व ड्रा किया हुआ है, ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड का मूवमेंट, ये राइट साइड का मूवमेंट, तो हर एक 2 mm के रिगार्डिंग में जो वोल्टेज मिले हैं उसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पे उनकी वैल्यू के इस तरह से कोऑर्डिनेट निकाल करके ये पॉइंट लगा देंगे। तो ये लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ मिली है हमें, ये राइट साइड की वैल्यूज़ मिली हैं, और इस तरह से ये, तो इस तरह से ये हमारा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रा हो जाएगा LVDT के रेस्पेक्ट में। तो इनपुट में हमारा जो वेरिएबल है वो डिस्टेंस है, और उसके रिगार्डिंग में जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो मिल पता चल जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये इस तरह का कर्व हमें मिल रहा है। तो हमारा उद्देश्य जो है इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के बीच में इस तरह का क्या रिलेशन है वो हमें पता लगाना था, तो वो हमने इस कर्व के माध्यम से पता लगा लिया है। तो बच्चों आज का जो प्रोजेक्ट जो प्रैक्टिकल था उसका जो मोटिव था उसका जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो चुका है। इस तरह से हमने LVDT की जो उसको कैरेक्टराइज़ किया है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन देखा है, और उसकी वेव फॉर्म में फेस किस तरह से चेंज होता है, उसके फेस को हमने CRO पे DSO पे उसको एनालाइज़ किया है। तो आज का जो प्रैक्टिकल का उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ, मैं समझता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।